आपके दिमाग में आया कि कब गणपति पूजा शुरू करनी चाहिए? हाँ, मैं बिहार से हूँ, भागलपुर से हूँ, और हमारे यहाँ गणपति उत्सव की तो नहीं, लेकिन गणपति जी का बहुत स्ट्रॉन्ग फॉलोअर हैं हम लोग, बिकॉज़ हम लोग दीपावली में गणेश लक्ष्मी की पूजा करते ही हैं, तो उन पर एक विश्वास तो मेरा शुरू से था। क्योंकि यहाँ महाराष्ट्र में आने के बाद और यहाँ इतने सालों रहने के बाद जब मुझे गणपति पूजा के बारे में पता चला, तो फिर मैंने सोचा हाँ क्यों नहीं, गणेश भगवान तो अपने हैं ही, तो उनको गणपति बप्पा के रूप में अगर मैं अपने घर पर आमंत्रित करूं तो उनकी सेवा करने का एक मौका भी मिलेगा और मुझे उससे उनसे जुड़ने का एक और बहाना मिल जाएगा। ये साल मेरा 5वां साल है। और क्या कहना चाहेंगे, कैसे ये शुरुआत हुई और कहां, मतलब कैसा लगता है आपको जब इसको करते हैं? शुरुआत मेरी तो बहुत ही सिंपली हुई, क्योंकि जिस दिन, आज से 5 साल पहले अगर आप गए, तो जिस दिन गणेश पूजा, जिस दिन गणपति को लोग घर लेकर आते हैं फर्स्ट डे, तो उस दिन बस ऐसे ही घर पर बैठी थी, मन कुछ अजीब लग रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा कुछ लाइफ में शायद नहीं हो रहा था, तो बस एक आया दिमाग में कि क्यों ना मैं भी गणपति पूजा करूँ, तो फर्स्ट बस घर से निकली और पप्पा को लेकर आ गई। जी, बिग मैजिक पर मेरा बिग मैजिक गंगा पर एक शो चल रहा है, ऑन एयर है, वो है बिग मीम साहब, जिसका 4th सीज़न जो स्टार्ट हुआ है वो एंकर कर रही हूँ मैं, और उसके बाद एक और सीज़न है, 5th सीज़न भी आ रहा है बिग मीम साहब, तो वो 1 सितंबर से शुरू हो रहा है बिग मैजिक गंगा पर। आने वाली मेरी फिल्में हैं, एक दूध का कर्ज है, फिर सजना पे दिल आ गई है, और तू महलों की रानी, मैं गलियों का राजा। सबसे अच्छा कैरेक्टर अब तक आपने जो प्ले किया हो उसके बारे में? अभी जो मेरी एक फिल्म आने वाली है दूध का कर्ज, उसमें मैंने एक बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर प्ले किया है, और वो कैरेक्टर मेरे लिए एक थोड़ा चैलेंज भी था, और इसलिए वो मेरे दिल के भी बहुत करीब है। नहीं, उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन बहुत ही बिंदास कैरेक्टर है। इनफैक्ट वो जो मेरे ऑपोजिट दिनेश जी हैं इस फिल्म में, तो दिनेश जी ऑलरेडी एक गुंडे का रोल में हैं, गुंडे के रोल में, और वो भी इस कैरेक्टर को देख करके अचंभित हो जाते कि क्या है ये लड़की, इतनी ज़्यादा क्यों बिंदास है वो, तो हीरो हीरोइन की ऐसी केमिस्ट्री है। दर्शकों को मैं स्मृति सिन्हा, आप सभी दर्शकों को गणेश उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी।